आप बोलो। हेलो दोस्तों, ज्योति प्राची ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम मेला घूमने आए हैं, आप सभी को हम मेला दिखाएंगे। ये रीवा में मेला लगा है तो हम लोग वही देखने आए हैं, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोग बने रहिए, कंटिन्यू मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो गाड़ी पार्किंग उधर है, तो गाड़ी पार्किंग वगैरह इधर है, वहाँ 20 रुपये टिकट था। और यहाँ पर जो है तो यहाँ पास टिकट मिलता है अंदर जाने के लिए, और फाइनली जो है तो यहाँ पास 10 रुपये टिकट है। और मैं यहाँ का दिखा रही हूँ आप सबको, और शानदार देख रहे हैं भीड़ कितनी ज़्यादा लगी हुई है। ये है गेट उधर से आने का, ये देख लीजिए आप। तो यहाँ पास पहले तो टिकट उगट चेंज, अरे फोन पता नहीं काहे को लगा रही, जानती कि मैं यहाँ पास से एंट्री है ऊपर जाने के लिए। यहाँ हम लोग जा रहे हैं, और वाओ और कितना सुंदर गेट अंदर जाने के लिए बना है। वाओ, यहाँ तो बहुत ज़्यादा फिसल रहा है। तो इधर चलो, इधर ही चलती हूँ, पहले देखती हूँ ना। ये देखिए यहाँ सोफा वगैरह कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे रखे हुए हैं, जिसका मेला लगा हुआ है। वाओ, बहुत अच्छा शानदार लगा। और इधर देख लीजिए आपको, यहाँ थोड़ा सा खाने पीने के लिए भी लगा हुआ है। कितना शानदार और बहुत बड़ा झूला है। बहुत शानदार है रीवा का मेला, पहली बार यहाँ पर छोटी पुल के पास लगा हुआ है, और बहुत शानदार मेला है। सभी का स्वागत करता है। दोस्तों आप कैमरे की नजर में हैं, इसलिए कोशिश करो कि वही कार्यक्रम जो आपको देख रहा है, साथ ही पार्किंग की व्यवस्था आपको दी गई है। पार्किंग सुंदर से वाहन को खड़ा करें, वहाँ इधर उधर का खड़ा करें, बच्चों को अपने साथ में रखें, और लाइन के सामान विशेष रूप से ध्यान दें। अगर आपको किसी कैसे दे रहे भैया, एक दे दो, यहाँ पास गुलाब लच्छी खा भी रही है। चलो भी है, एक बार जाके देख लें आपने। यहाँ गाड़ी ओड़ी के लिए बहुत ज्यादा सुविधा है, अगर किसी गाड़ी साइड करना हो, देख लीजिए आवाज आपको समझ में आ रहा। और ये देखिए शानदार झूला 0196 आता है यार, ये देखो। और साथ ही MP 18C 5590 इस गाड़ी को भी आप ध्यान से देख लें, सुन लें, मैं आपकी इस गाड़ी का नंबर बता रहा हूँ, और गाड़ी को आप व्यवस्थित रूप से खड़ी कर दें। MP 19CC 46 XUV गाड़ी है। यहाँ पास देख रहे कितना शानदार झूला है,
इधर अंदर भी कितना सुंदर लग रहा है, वाओ। तो बहुत शानदार है यहाँ का मेला, ये तो बहुत अच्छा लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ ट्रेन वेन की भी सुविधा है। देखिए देखिए सच देखिए कितनी शानदार बाजार लगी है देख लीजिए आप। यहाँ कुछ खेला जाता है, सट्टा वट्टा पता नहीं क्या खेलते हैं, समझ में नहीं आता। ये बॉल वॉल वाला खेल रहा है और इधर टोपी मोजा वगैरह लगे हुए हैं काफी। यहाँ पास सेल लगा हुआ है और देख लीजिए सभी जितने भी सामान है सब 100 रुपए, यानी सेल बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पास शानदार बाजार मार्केट लगी है प्लास्टिक की, जो भी है बहुत सारे हैं और हर माल जितने भी बताए दिख रहा है यहाँ पास के 40 रुपए। तो यहाँ पास मैं देखती हूँ 40 रुपए में क्या लेने लायक है। तो मुझे 40 रुपए वाला कोई चीज़ लग ही नहीं रहा। तो यहाँ पास तो मुझे सभी चीज़ें, मुझे डलिया बहुत अच्छी लग रही है, उनको लगता है मैं डलिया ले लूँ, वाह 40 रुपए की। तो यहाँ पास मुझे डलिया दिख रही है और डलिया बहुत अच्छी है, इसलिए इसमें कुछ रख के ढकने के लिए ये शानदार है, अच्छी है। समझ में नहीं आती बड़ा ले छोटा नहीं, और इधर बैग वगैरह लगे हुए हैं, कितने सुंदर बैग लगे हैं। ये यहाँ पास काफी प्रकार के अचार वगैरह हैं जो मैं भी लेने वाली हूँ। ये करने वाला 50 रुपए का ले लीजिए, मिल रहा है।
और इधर कंगन उंगन का भी लगा है, सभी से लगे हुए हैं यहाँ पास, बहुत प्यारा से लगा हुआ है। तो यहाँ पास दिल्ली का पान बिक रहा है, मैं भी ले रही हूँ 20 रुपए का एक पान, मेरे को भी दे दीजिए। दिल्ली तो मैं बहुत बार गई हूँ लेकिन पान नहीं खाई हूँ, मैं बता रही हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से लेके वहाँ तक गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, काफ़ी पास शानदार था और अच्छा भी था। ये देख लीजिए मेला यहाँ का। तो फाइनली जो है तो मेरा मेला का टूर ख़त्म हुआ और हम लोग अब घर निकल रहे हैं। तो अब आज की वीडियो आप देखें, और कुछ नहीं मैंने दिखाया नहीं आपको वीडियो में, मैंने क्या लिया, 2 डब्बे लिए और 1 मीठा पान ली हूँ, बस हो गया और कुछ नहीं। और ये जो मैंने पौधा ली हूँ ये घर से लेके आई थी, ये पौधा है शुगर फ्री, इसीलिए मैं इसको लगाऊंगी घर। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर हमारे रीवा का मेला आपको पसंद आया हो, हमारे रीवा में तो ऐसे ही मेला लगता है, तो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, वीडियो में नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। मैं भी बाय कर रही हूँ।